और चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं राम की पैड़ी, जहां मौजूद है हमारे विशेष संवाददाता आलोक राय जी। आलोक जी, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है राम की पैड़ी पर? वहां पर कई भक्तजन भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। देखिए, बिल्कुल हम रामनगरी अयोध्या में हैं, राम की पैड़ी, और आप देख सकती हैं कि हमारे साथ तमाम यहाँ पर लोग खड़े हैं जो बहुत दूर दूर से आए हैं, यहाँ के लोग भी हैं। और ठीक पीछे कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं आपको, यहाँ पर लेजर शो चल रहा है, राम जी के जो प्रसंग है पूरा उस पर, रामायण का उस पर चल रहा है। तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, उसका आनंद लेते हैं, देखते हैं। और चूंकि ये बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है राम की पैड़ी, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं फुहारे हैं, रंगीन लाइटें सजाई गई हैं, कुल मिलाकर एक मनमोहक नज़ारा है। और जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक आती जा रही है, तो लगातार यहाँ पर श्रद्धालु भी आ रहे हैं, तमाम जो है टूरिस्ट आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, देश दुनिया से आ रहे हैं, स्थानीय लोग भी रहते हैं, सभी चाहते हैं कि अयोध्या घूमें, क्योंकि अयोध्या सज रही संवर रही है। यहाँ पर बहुत लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं, क्या नाम है आपका? भूमिका। कैसा लगा अयोध्या आपको? मुझे अयोध्या में आके बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करती हैं आप? मैं अभी कुछ नहीं, स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हूँ। देखिए, ये भूमिका है, दिल्ली से आई है यहाँ पर, इनको बड़ा अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? अंजलि मौर्य नाम है। आप कहाँ से आई अंजलि? धानीपुर से। कैसा लगा अयोध्या में? अब जो अयोध्या जिस तरह से बन रही, कैसी लगी? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और बन जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। रामलला का दर्शन किया? हाँ दिया। और भी लोग हैं, आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। आप भी दिल्ली से आई हैं? क्या क्या घूमा अयोध्या में? अयोध्या में घूम रहे हैं, अभी तो घूमे नहीं है। दर्शन किया कि नहीं? दर्शन किया। राम की पैड़ी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही। आप कहाँ से हैं? मैं भी दिल्ली से हूँ। आप भी दिल्ली से आए हैं, क्या क्या घूमा अयोध्या में आपने? हनुमानगढ़ी गए और रामलला के दर्शन करके आए, और अभी राम पौड़ी पे खड़े हुए हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो बनने के बाद तो खूबसूरत लगेगा ही। बनने के बाद, देखिए कह रहे हैं कि बनने के बाद खूबसूरत लगेगा, और पूरा अयोध्या की जो मुख्य जगह है ये घूम चुके हैं। आप कहाँ से हैं? ये दिल्ली से आए हैं। क्या नाम है आपका? सुनील मौर्य नाम है। सुनील जी, कहाँ कहाँ घूमा आप? यही हनुमान मंदिर घूमे, हनुमानगढ़ी के प्रसाद चढ़ाए, और वहाँ से फिर जगह राम मंदिर घूमे, जहाँ पर रामलला का स्थान जो कि बन रहा है अभी, उसके बाद में ये दशरथ महल वगैरह ये सब देखे, और अब हर के पहाड़े में हम लोग हैं, जो कि बहुत अच्छा दृश्य है, और जो कि ये लाइट शो हो रहा है बहुत ही अच्छा है, और गर्व की बात है, क्योंकि रामलला जो कि हमारे राम मंदिर बनने से, या रामलला जो भी हमारे भी अभी तक जो त्रिपाल में थे, उनको एक अच्छा स्थान मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात, पूरे देश की बात है। देखिए, इन्होंने बड़ी बात कही कि रामलला जो त्रिपाल में थे उनके लिए मंदिर बन रहा है, और गर्व की बात है पूरे देश के लिए, वाकई बड़ी बात है। आज हमने मुख्य पुजारी सत्येन्द्र दास जी से भी बात की थी, उन्होंने भी यही बात कही थी कि इस जो आनंद है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और भी यहाँ पर बहुत लोग हैं, आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश सागर जिले से हूँ। अच्छा, आप मध्य प्रदेश सागर जिले से आए हैं, क्या कर रहे हैं अयोध्या में? मैं अयोध्या घूमने आया हूँ, और काफी अच्छा अनुभव हुआ यहाँ पे, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कहूंगा मैं तो, बहुत ही शानदार मंदिर बना हुआ। मेरा तो खास और बहुत अच्छा है कि ओरछा बहुत फेमस है, मतलब ओरछा और अयोध्या का श्रीराम को बहुत अच्छा लगा हुआ है। ओरछा मतलब कहना चाहिए हमारे, जैसे वहीं से आया हूँ मैं, ओरछा में राजा राम सरकार हैं, वहाँ राजा के रूप में विराजमान है, डेली सुबह शाम शस्त्र सलामी दी जाती है, और यहाँ पर वो विश्राम करते हैं। पुराणों में बताया गया है वहाँ पर वो राज करते हैं, और यहाँ पर वो विश्राम करते हैं। तो आप अकेले आए हैं? अच्छा, आप कहाँ से आई? अच्छा, आप इनकी पत्नी हैं, कैसी लगी अयोध्या? बहुत अच्छी, और मेरे तो बहुत दिनों से इच्छा थी यहाँ आने की, और भी तो ये बहुत अच्छा सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ है जो मैं आई हूँ इनके साथ, मतलब ये तो 5 बार आ चुके हैं, मैं 6वीं बार इनके साथ आई हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, आपकी इच्छा पूरी हुई, 5 बार आपके पति आ गए थे लेकिन आपको जो है 6वीं बार ले आए। चलिए, तो देखिए बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। बिल्कुल, आलोक जी, हम चाहेंगे कि कुछ वहाँ की तस्वीरें भी आप दिखाएं। यहाँ पर लेजर शो हम देख पा रहे हैं, पीछे स्क्रीन पर भी हम देख पा रहे हैं, और तस्वीरें भी दिखाइएगा हमारे दर्शकों को, साथ ही बताते भी जाइएगा कि क्या कुछ आयोजन प्रतिदिन वहाँ पर किए जाते हैं। देखिए, बिल्कुल ये राम की पैड़ी है, और ठीक हमारे दूसरी तरफ जो है नया घाट है सरयू नदी का, वहाँ पर जो है शाम को 6 बजे करीब आरती होती है सरयू में आता की, जैसे गंगा माँ की आरती होती है वाराणसी में घाट पर, वैसे यहाँ पर प्रतिदिन सरयू माँ की आरती होती है, और ये राम की पैड़ी यहाँ पर प्रतिदिन शाम को जो है 6:30 बजे करीब लेजर शो होता है, जिसमें रामायण का प्रसंग दिखाया जाता है। और आप देख सकती हैं तस्वीरों में लेजर शो चल रहा है, एक बड़ी सी स्क्रीन संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा लगाई गई है, और ये राम की पैड़ी में देखिए फाउंटेन्स लगे हुए हैं, जिसमें जो है रंग बिरंगी लाइटें जल रही हैं, तो लोग बड़ी संख्या में आते हैं और यहाँ पर इसका आनंद लेते हैं, अयोध्या घूमते हैं, चूंकि ये जगह लोगों को बड़ा सुकून देती है, बड़ा ही अद्भुत और आस्था का सैलाब यहाँ पर रहता है, एक पूरा वातावरण जो होता है पूरा राममय होता है, तो लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, तमाम छात्र आते हैं, छात्राएँ आती हैं,
बच्चे आते हैं, यहाँ बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है, उनके लिए रिमोट वाली गाड़ियाँ हैं, सेल्फी पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो कुल मिलाकर एक अच्छी जगह है अयोध्या में। तो लोग जब भी अयोध्या आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं, वो उनकी लिस्ट में शामिल होता है ये नाम कि राम की पैड़ी ज़रूर जाना है, वहाँ पर रहना है, शाम को भी लेजर शो देखना है, इसके अलावा सेल्फी और रील्स बनाने का आजकल जो खासकर युवा हैं उनको एक बड़ा शौक है, तो वो अपने तमाम सोशल साइट्स पर उसको अपलोड करते हैं। इसके अलावा तमाम यहाँ पर खाने पीने की भी दुकानें हैं। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, तमाम व्यवस्थाएं और तमाम ये जो तैयारियां की गई हैं इन तस्वीरों में भी साफ नजर आ रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी देख सकते हैं इन तस्वीरों में, देखिए लेजर शो रोजाना और प्रतिदिन देखिए कई आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं, मां सरयू की आरती भी, और इसी के साथ बड़ी संख्या में भक्तों का जो सैलाब है वो प्रतिदिन यहाँ पर देखने को मिलता है। राम